बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने 2-3 सूट तैयार किए हैं, डिजाइनिंग वाले सूट हैं। इनकी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की, तो मैंने कहा इसकी पहले मैं आपको इनकी डिटेल में आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, पहला सूट ये है, इसकी ये मैंने खड़ी शलवार बनाई है, बिल्कुल सिंपल। इसमें जॉइंट लेस लगा के ये देखें, बहुत ही नीट और प्यारी बनी है शलवार, ये देखें। और इसके साथ जो शर्ट बनाई है मैंने, ये प्रिंटेड सी शर्ट है, बिल्कुल इसका बड़ा मिक्सअप सा प्रिंट है, ये देखें। गोल मैंने इसका सिंपल सा गला बनाया है, और ये जो पट्टी नजर आ रही है आपको, ये मैंने पैनल की तरह लगा दिया, ऊपर रख के लगाई है। ये कपड़े के साथ ही उन्होंने दी हुई थी, और ये इस तरह करके इसका जो दामन है ये देखें, ये इसका दामन मैंने बनाया है। दामन पे ये वाली भी 3 कलर की उन्होंने पट्टियां दी हुई थी साथ में, तो इनको मैंने इधर साइड पट्टी नहीं लगाई, इनका मैंने ये समोसे 3 बना के, तो ये मैंने ट्रायंगल से 3 जोड़ के उनको बनाया। ये देखें, बैक साइड भी बहुत नीट है और फ्रंट साइड भी देखें बहुत नीट बनी है। और क्योंकि ये बहुत प्रिंटेड था, तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा काम नहीं किया। ये देखें, इधर भी मैंने ये जॉइंट लेस लगाई है, इन चीजों का ख्याल रखा करें। ये मैंने इधर जो पट्टी लगाई है, इसको मैंने इधर से उधेड़ के, तो मैंने इसमें लगा के फिर दोबारा सिलाई लगाई है। बाजू इसके हल्की सी बेल शेप में रख दिए हैं, ये भी सिंपल रखे हैं। अब ये जो दूसरा सूट है, ये भी पूरा डिजाइनिंग वाला बनाया है मैंने। इसका जो ट्राउजर है, ट्राउजर पे मैंने ये जॉइंट लेस लगा के, तो इसपे मैंने ऊपर भी प्लेट्स लगाया सीधे, और इस तरफ साइड वाले प्लेट्स डालिए, और इसके साथ मैंने जॉइंट लेस लगा के प्लेट और लेस के साथ इसको तैयार किया। और इसके साथ जो शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी शर्ट है, ब्रांडेड सूट है, तो इसके साथ भी ये उन्होंने पट्टियां दी हुई थी, तो इनको मैंने इस तरह करके यूज किया। साइड पे मैंने पैनल बनाए हैं, पैनल बना के, तो इस पे मैंने ये 3 कलर जो है इनको ऐड किया हुआ। गला दो, गला मैंने इसका सादा रखा है, ठीक है। इस तरह करके मैंने ये समोसे जो है वो लगा दिए इधर ट्रायंगल, और इधर मैंने ये इसको, इसकी लेंथ मैंने कम करनी थी, इसलिए इसमें छोटी जॉइंट लेस लगा के तो इसको तैयार किया है। और इसी तरह मैंने इधर भी ट्रायंगल दामन पे लगा दिया, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे लगाए हैं, और बाजू पे भी लगाए हैं, ठीक है। ये इसका, इसकी बैक और ये फ्रंट। एक ये मैंने तीसरा सूट जो तैयार किया है, इसका ट्राउजर दिखा देती हूँ आपको। इसकी वीडियो मैंने बनाने की तो नहीं, लेकिन वैसे मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। ये देखें, ये बेल की शेप में हल्की सी बेल है, ये देखें हल्की सी बेल की शेप में ये मैंने बनाया, और ये देखें इस तरह करके इसकी लुक है। हल्का सा डबल कट लगा के तो मैंने 2 लेयर बना ली। अगर आप स्ट्रेट बनाए तो इसकी ज्यादा लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाता है, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। ये देखिए, इसकी शर्ट की बारी। इसकी शर्ट जो मैंने बनाई है, ये मैंने फ्रॉक टाइप बनाई है, ठीक है। ये देखें, ये आम सूट है, और इस पे मैंने हल्के हल्के से पैनल बना के, ये देख सकते हैं आप इसका मैंने कितना इसका घेर बना लिया है, ये देखें। अगर आपको इनमें से किसी चीज की भी आपको समझ नहीं आती, तो आपने अगर वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। आप देखें, इसकी जो खास बात है, इसमें ये मैंने बाजू की है तैयार किए हैं, ये देखें, ये इसके जो बाजू हैं ये बहुत प्यारे बने हैं। इसकी लेंथ सिर्फ इतनी थी, ठीक है, और मुझे फुल लेंथ चाहिए थी। इसके लिए मैंने एक तो इसको एक्सटेंड करने के लिए इसमें कपड़ा डाल लिया है, ये देखें इसका पीस डाल है, तो इसमें आगे शीटर लेस लगाई है, और दरमियान में जॉइंट लेस लगा के, तो ये मैंने पत्ते जो है ना, ये मैंने बना के खुद से, तो सिलाई के साथ इसको लगा के, तो ये एक डिजाइनिंग सी बना लिया, ऊपर बटन लगा लिया। बहुत प्यारा और आसान, ये बहुत आसानी से बन जाने वाला है, बच्चों के फ्रॉक पे भी और शर्ट पे, दामन पे, आप कुछ कहीं भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। इसकी वैसे मैंने नहीं बनाई, अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी और सूट पे बना के तो आपको दिखा दूंगी सिखाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नए आइडिया के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।